हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यार कैसे हो। माय नेम इज ओगियाचिक डैडी गेमिंग चैनल। तो दोस्तों यार लॉस सैंटोस के अंदर आने के बाद यार मेरी तबीयत खराब हो चुकी है और यार मुझे फीवर भी हो गया है और मेरी आवाज के बैंड बच चुके हैं जिससे मेरी आवाज निकल भी नहीं पा रही है। लेकिन सुबह सुबह जैसे मेरी आंख खुली तो यार ये किसी ने लैपटॉप चालू कर दिया और यार ये किसी ढक्कन ने बंद भी नहीं करा। ये जैक भैया का पता नहीं कहाँ गए, सुबह सुबह निकल गए। और यार नीचे यार सिंचन भी है और बाप यार तो आया ही नहीं। पता नहीं बाप भैया का कुछ आता पता ही नहीं है। चलो यार देख कर आते हैं ये जैक भैया और सिंचन यहाँ पर कर क्या रहे हैं। क्या बात है होगी भैया, किटकिट तुम्हारी आँख खुल गई। और यार मेरी तो आँख तो खुल गई लेकिन तुम ये घर क्या रहे हो यार सिंचन, ये कौन सा योगा और एक्सरसाइज हो रही है और जैक भैया कहाँ गए हैं जल्दी कुछ बताओ। मेरे को नहीं पता, वो घूमने गई थी जॉगिंग पे। अरे यार भैया कब से जॉगिंग करने लगे, लग रहा कुछ यार खाने गए होंगे। अरे भैया कहाँ हो यार, भैया पता नहीं कहाँ गया हो। भैया यार किसके साथ गए पता नहीं चल रहा मुझे। हे भैया कहाँ पर हो यार। ओए बुढ़ा मैं आ रहा हूँ। ओए बुढ़ा मेरे को एक खबर पता चली है, लॉस सैंटोस के अंदर एक गड़बड़ होने वाली है। और भैया क्या गड़बड़ होने वाली है, कहाँ हो लेकिन तुम। ओए बुढ़ा मैं आ गया। ओए तुझे पता है लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज आ चुकी है। और भैया क्या चीज आ चुकी है बताओ मुझे भी। ओए तेरी पैंट की लीन हो जाए सुनकर। ओए ये जानता है मेरे थॉमस एक्सी आ गया है जो कि बहुत खतरनाक ट्रेन है। अरे भैया खतरनाक ट्रेन कैसे लॉस सैंटोस के अंदर आ गई यार। आई और कोई नहीं, खुफिया डॉक्टर का काम है, किसी साइंटिस्ट ने ट्रेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और थॉमस को उसे खतरनाक बना दिया। अरे भैया लेकिन उसको मारे कैसे। आई उसको मार नहीं सकते है लेकिन उसे मैं देखना पड़ेगा। और भैया क्या बात करो, चलो यार निकल के देख क्या तो उसको। अरे भैया लेकिन तुमने बताया नहीं थॉमस वाली ट्रेन कहाँ मिलेगी जो कि यार खतरनाक है। ओए बुना वो हमें मिलेगी काली पहाड़ी के पीछे। और भैया यार लेकिन वहाँ क्यों यार। ओए वहीं पे वो ट्रेन चलती है और वहाँ पे बहुत खतरा है। और भैया खतरों से मैं नहीं डरता, चलो आ जाओ यार। चलो मजे लूट के आएंगे। ओए गाड़ी तो मुझको चलाने देता। और भैया गड्डी तो मैं चलाऊंगा, चलो यार भैया। और यार कितना खतरनाक वेदर भी हो रहा है आज तो। ओए थॉमस की वजह से हो रहा मुन्ना। और भैया सही कहा लेकिन यार वो रात में क्यों निकलता है 12 बजे के बाद। ओए मुझे क्या पता 12 बजे के बाद मिलता है, उससे ही जब पूछ लिया जब मिलेगा। और भैया यार खतरनाक तो ज्यादा नहीं होगा ना। भैया मुझको डर भी लग रहा है और इतनी तेज बिजली कड़क रही कुछ भी हो सकता है। दोस्तों यार फाइनली हम यार पुराने शहर में आ चुके जहाँ पे एक पुराना किला है, मतलब कि सॉरी पुरानी पहाड़ी। वहाँ पुरानी पहाड़ी है लेकिन वो काली पहाड़ी भी है। और भैया सही कहा, काली पहाड़ी के पास दोस्तों हम आ चुके हैं और हमें यार यहाँ से वह गड्डी चेंज करके वाली गाड़ी लेनी पड़ी क्योंकि हमें काली पहाड़ी पार करनी पड़ेगी इसलिए। ओए मुन्ना सही कहा लेकिन मुन्ना तेरी तैयारी भी है, अगर वो दिख गया तब क्या होगा। अरे भैया वो तो डिसाइड करेंगे ना कि वो करता क्या, चलो भैया पहले उससे सामना करेंगे। ओए मुन्ना में लॉस सैंटोस को बचाना है उसे मारकर, नहीं तो वो पूरा लॉस सैंटोस को तबाह कर देगा। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। और भैया सिंचन कहाँ रह गया। ओए मुन्ना सिंचन तो डर के मारे आया नहीं, बोला मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया चलो कोई बात नहीं, घर पर भी तो किसी को होना चाहिए। ओए मुन्ना सही कहा लेकिन गाड़ी मत चला ढंग से। और भैया ढंग से क्यों नहीं चलाऊं, ढंग से ही चलाऊंगा। ओए मैं उल्टा बोल रहा हूँ, हे भैया ढंग से ही चलाऊंगा। ए यार ये पहाड़ी तो काफी खतरनाक है, हमें यहाँ से बच के जाना पड़ेगा। ओए तू मुझे यही मार देगा लग रहा ट्रेन से पहले। और भैया डरो मत यार, मेरी ड्राइविंग स्किल बहुत तगड़ी है। ओए तू चला क्या रहा, उल्टी गाड़ी क्यों चला रहा है। और भैया यार रुको यार, पहुंच गए फाइनली काली पहाड़ी, बहुत डेंजर है, हमें यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। ओए मैंने कुछ गांव वाले को इकट्ठा करने के लिए बोला था ताकि हम उससे लड़ पाए थॉमस ट्रेन से। अरे भैया क्या बात करो, गांव वाले इकट्ठा करने के लिए। चलो देखते कोई गांव वाला अपने साथ हुआ कि नहीं। ओए मुन्ना मैंने फोन तो कर दिया था कि सारे इकट्ठा हो जाना, मैं आ रहा हूँ। अरे भैया और देख लेते कौन कौन से लोग इकट्ठा हुए हैं, और कोई तो आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा मुझको भैया। कोई भी गाँव वाला नहीं यार यहाँ पे। ओए ये कैसे हो सकता है, पूरा सन्नाटा हो गया। काली पहाड़ी के पास मैंने बोला था सबको इकट्ठा होने के लिए लेकिन यहाँ पे तो कोई नजर नहीं आ रहा। ओए बुढ़ा कर क्या रहा तू। अरे भैया ये देखो, अरे बाप रे बाप भैया यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ओए बुढ़ा मेरे को भी कोई गड़बड़ लग रही है, यहाँ तो कुछ अजीब ही लग रहा है। यही मैंने बोला था सबको इकट्ठा होने के लिए ताकि हम थॉमस की बैंड बजा पाए। और भैया वो खतरनाक ट्रेन की बैंड बजेगी लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। और ये देखो भैया यहाँ किसी ने इन लोगों को मार दिया जिसे तुमने बोला था इकट्ठा होने के लिए, गाँव वालों का खेल खत्म कर दिया किसी ने। ओए मुन्ना लेकिन तू कर क्या रहा है। और भैया इन्हें मार दिया लेकिन इनके पैसे ले लेता हूँ जल्दी से। ओए नल्ले जल्दी से गाड़ी के पास आ जा, तू रे कर क्या रहा है, उनके पैसे चुरा रहा है। और भैया अब उनके पैसे किसी काम के नहीं है, उन्हें यार तू ट्रेन ने मार दिया लग रहा है। लेकिन यार ट्रेन कैसे मार सकती समझ में कुछ नहीं आ रहा है हमें भी। अरे भैया मुझको क्यों फेंक दिया,
वाह तू यार निकल यहाँ से। अरे भैया तुम निकलोगे फेंक दूंगा तुमको बाहर, चलो निकलो यहाँ से, अब गड्डी मैं लेके जाऊंगा अकेले। वाह बुढ़ा पीछे बैठा ले, सॉरी बुढ़ा मेरे को बैठा ले। अरे भैया अगली बार करो तो नहीं बैठाऊंगा, जल्दी आ जाओ। वाह बुढ़ा तू आपस में लड़ाई मत कर, हमें उससे भी लड़ना पड़ेगा। अरे भैया टेंशन क्यों लेते, उसके भी बैठ बचा के रहेंगे, वो किसी भी कीमत पे हमसे नहीं बच पाएगा। वाह बुढ़ा तेरी आवाज को क्या हो गया है? अरे भैया मेरी आवाज को पता नहीं क्या हो गया है, चलो यार पता नहीं मेरी तबीयत खराब है इसीलिए। अरे यार ये गाड़ी यहीं क्यों बंद हो गई? वाह बुढ़ा तेरी गाड़ी इस ट्रैक पे ही बंद हो रहा था क्या? अरे भैया चलो कोई बात नहीं, ट्रैक पे तो कोई नहीं आ रहा, और यार ट्रेन भी आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि इस पटरी पे ट्रेन मतलब कि बंद हो रखी है ना जाना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वाह मुंडा लेकिन वो हॉरर ट्रेन कभी भी आ सकती है इसी पटरी पे। अरे भैया छोड़ो यार, इस पे कोई हॉरर ट्रेन जाम नाम की चीज ही नहीं होती, तुम मुझको बेवकूफ बना रहे थे, मैं इसीलिए चेक करने आया था। तुम भैया मेरे को बेवकूफ समझते हो क्या? हॉरर ट्रेन नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। मैं तुम्हारी यार कॉमेडी देखने आया था, नुबड़े कह के कुछ भी बोलते रहते हो। वाह मुंडा तू मुझे मजाक में ले रहा है, अभी रुक जा भी तुझे खुद ही पता चल जाएगा। अरे भैया मैं मजाक नहीं ले रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अरे भैया वो क्या चीज है? वाह बुढ़ा मैंने क्या बोला था, आ गया ना आखिरकार, वो देख। और भैया ये तो सही में थॉमस ट्रेन है यार, ये तो बहुत खतरनाक। भैया कहाँ जा रहे हो इसके साथ? वाह बुढ़ा इसने मेरी गड्डी को उड़ा दिया और मेरे को चोट भी लगे। अरे भैया यार ये तो सही में बहुत खतरनाक है यार, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। वाह बुढ़ा रुक जा, कहाँ भाग रहा डर के मारे, अभी तो तू लड़ने वाला था। अरे भैया यार लड़ने के लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, और भैया अब आरपीजी लेकर आता हूँ मैं, फिर आरपीजी से देखते क्या हम इस ट्रेन को उड़ा पाएंगे कि नहीं उड़ा पाएंगे। वाह मुझे तो लग रहा है 50-50, क्योंकि आरपीजी से ट्रेन उड़ सकती है कि नहीं उड़ सकती है। अरे भैया लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ट्रेन थी, और हमें तो किसी भी कीमत पे इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही लॉस सैंटोस के सारे गांव और शहर को तबाह कर देगी और जहां से गुजरेगी। वाह बुना सही कहा, इसने आज एक गांव तबाह कर दिया, लेकिन धीरे धीरे करके अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये धीरे धीरे सबको उड़ा देगा। अरे भैया फाइनली यार इसको आने दो, आ गया बेटे, अब तू नहीं बच पाएगा, तुझे पता है हम कौन है? भूत पकड़ने वाले। वाह मुंडा ये कब से बन गए? अरे मुंडा इनको इसको तो कुछ हुआ नहीं। अरे यार भैया इसको यार इससे कुछ हुआ ही क्यों नहीं यार, ये तो बहुत ताकतवर है यार, इसको यार कुछ भी नहीं हुआ, मुझको तो बड़ा यार चौक लग रहा है भैया। वाह बुढ़ा उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन तूने अपनी गड्डी को फोड़ डाला। और भैया अपनी गड्डी यार क्या खटारा थी, इसकी भैंस की टायर फट गई पहले ही, ट्रेन ही फटी लेकिन ये फट गई, ये ले और फोड़ डालूंगा। वाह बुढ़ा वो खतरनाक ट्रेन है, हमें कुछ भी करके उसे रोकना पड़ेगा। अरे भैया चलो यार फाइनली पुल पे आ गए, और यार दोस्तों ने बाइक यार किसी से ले ली उधार, चलो भैया। वाह उधार नहीं लिए, छीन ली तूने। अरे भैया हाँ यार पुल को तबाह करना पड़ेगा। ए यार ए भैया इसके ऊपर चढ़ के नहीं पा रहा तुम यार, भैया बाइक कहाँ लगा दिया ला के? तू ट्रेन को क्या मारेगा मुन्ना, ये कर क्या रहा है तू, झूला झूला है। अरे भैया यार इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था, फाइनली हम पुल पे आ चुके हैं और थॉमस ट्रेन की बैंड बजा के रहेंगे। मेरा प्लान है कि मैं पुल को ट्रेन के साथ उड़ा दूंगा, जिससे ट्रेन पानी में गिर जाएगी और यार ट्रेन वहीं पे तबाह हो जाएगी भैया। अरे यार इसको कुछ भी नहीं हो रहा यार, भैया अरे यार इसने तो मेरी बैंड बजा दी, इसको कैसे पता चल गया यार मैं इसको मान्य है, ये तो ट्रेन सही में वाकई बहुत खतरनाक है भैया। आई मुना तुझे आ गया मजा, मैं बोल रहा था ये प्लान ना काम नहीं करेगा। अरे भैया यार ये ट्रेन तो वाकई बहुत खतरनाक है, और यार पुल भी नहीं टूटा, अरे यार नल्ला उपंती हो गया, ये ले पुल तेरे को यहाँ से तोड़ दूंगा। अरे भैया ये पुल किससे बना यार, अंबुजा सीमेंट से क्या, टूटने का नाम ही नहीं लेता यार। वाह बुना मैं दूसरी तरकीब लगानी पड़ेगी। अरे भैया हाँ सही कहा, हमें दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी, चलो यार मेरे पास एक और आइडिया है। वाह बुना आप कहाँ आ गए? अरे भैया मेरे पास टनल के पास कुछ चीज लगा देते जिससे वो ट्रेन फट जाएगी और वो रुक जाएगी, और वाह बुना इस ट्रेन को रोक पाना मेरे ख्याल से नामुमकिन जैसा लग रहा है। अरे भैया नामुमकिन, मेरे आगे कुछ नहीं होगी, इसलिए सब कुछ मुमकिन है ट्रेन। अब यार यहाँ पे प्लानिंग करते और अपना यार कुछ हुआ लगाते हैं जो मेरे पास दिमाग में आइडिया चल रहा था। दोस्त हमने यहाँ पे तीन तीन बस लगा दी, अब ये तीन बस उस ट्रेन को रोक पाएंगी जो की बहुत खतरनाक है भैया। वाह बुढ़ा ए वाह बुढ़ा ये क्या हो गया, इसने तो ट्रेन का कमी। अरे भैया ये क्या हो गया, ट्रेन का तो कीमा बन गया, इतना अच्छा नहीं हुआ। ए यार मेरा पैर फिसल गया, नहीं और अरे यार भैया मैं तो नीचे गिर गया। वाह बुढ़ा ये कैसे हो सकता है, अरे भैया नीचे गिरिया कैसे हो सकता है, लेकिन यार बस वाला आइडिया काम नहीं करा। वो यार ट्रेन तो बहुत ही ताकतवर है, उसको हम गिरा नहीं पाए, मतलब कि ट्रेन की पटरी से उठा नहीं पाए। वाह क्या बोला है, तेरी आवाज को क्या हो रहा है? अरे भैया पटरी निकल गया, पटरी से नहीं उठा पाए।
ओए बुढ़ा सही में तेरा गला खराब है, तू कुछ भी बोला है। अरे भैया ये खटारा बस तुम्हें लेकर क्यों आए, तुम्हें बोला तो बढ़िया वाले लेकर आते। खटारा बस ले आई टिकी निक पहले से खटारा थी, इन बस की भैंड भैंड बजा पाई। और दूसरी बार दोस्तों मैं यार दूसरा आइडिया है, और हमने यहाँ पे एरोप्लेन ही मंगा लिया सीधा। ये देखो मैं सीधा प्लेन लगा दिया, अब तो ये ट्रेन रुक कर रही है। अरे क्या भैया आप फिर से फिसल गया हो। ओए बुढ़ा तू कर कह रहा आपकी तू खुद ही मरेगा। अरे भैया ये तो प्लेन से भी नहीं रुकी, इसने तो प्लेन को चकनाचूर कर दिया भैया। भैया मैं आ गया ट्रेन के ऊपर, अब इस ट्रेन के अंदर जाता हूँ भैया, देखता हूँ इस ट्रेन को आखिरकार चला कौन रहा है। वाह बुना उस ट्रेन को कोई नहीं चला रहा है, वो खुद चली अपने आप, समझ में आ गया। अरे भैया सही कहा, ये तो भूतिया ट्रेन है, इसके अंदर जरूर कोई भूतिया आत्मा आ चुकी है। वाह बुना इसके अंदर भूतिया आत्मा नहीं, थॉमस वाह पागल हो गया है। अरे भैया थॉमस को हमें यहाँ सही करना पड़ेगा, लेकिन यार इसको रोके कैसे। मेरे पास एक आइडिया गया, मैं इसके ऊपर चढ़ता हूँ और यार इसके इंजन के अंदर घुसने की कोशिश करूंगा। फिर इसके पास देख के आते कि इंजन में मैं कुछ यार गड़बड़ी अटैक करके इसको फ्यूज कर दूंगा। अरे भैया ये क्या हो गया, अरे इस ट्रेन को कैसे पता चल गया मैं इसके पास आ रहा था। अरे यार ये ट्रेन तो वाकई में बहुत खतरनाक है भैया। अरे यार ये ट्रेन ने तो मेरी पिटाई लगा दी। अपना कहाँ रह गया तू। अरे भैया आ रहा हूँ यार, ये ट्रेन तो वाकई में बहुत खतरनाक और समझदार है यार, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। ये ले मैं पहुंच गया। अरे भैया यार इसके इंजन में अटैक कर रहा हूँ, लेकिन यार कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है मुझको समझ में नहीं आ रहा। वाह बुना तू मार उसको। अरे भैया कितने फट्टू यार, थोड़ा इधर भी तो जाते तो यार। फाइनली मुझे ट्राई करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेन के इंजन में पहुंच जाऊँ। इस यार इंजन में इसका बहुत बड़ा ब्रेन है, चलो देखते हैं। और भैया यार इसके ऊपर तो मार रहा हूँ, लेकिन खंबे को भी तोड़ के इसके ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। यार नॉन स्टॉप अटैक करने के बाद मेरी यार आरपीजी भी खत्म हो चुकी, अब क्या करे यार। आए बुढ़ा उसके पास जा। अरे भैया मेरी यार वो एमओ खत्म हो चुकी, अब क्या करे। आए बुढ़ा पर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। अरे भैया यार मैं आ रहा हूँ यार, इस ट्रेन का तो कुछ जुगाड़ नहीं है, लग रहा हमें यार निकलना पड़ेगा। आया बुढ़ा तेरे पास आइडिया है, कहाँ जा रहा है। अरे भैया एक आइडिया का, मैं जा रहा हूँ यार कूद काद के इसके इंजन पे, देखता हूँ वहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या हो, जिससे मैं इसके कान खींच लूँ और इसको रोक पाऊँ और इसको बर्बाद कर दूंगा। अरे ये क्या था, अरे ये क्या है, ये ट्रेन तो इनविजिबल है यार भैया, इसको तो मारा नहीं जा सकता भैया। इसको देखो मैं कहाँ गया और ये कौन है, अरे और इस ट्रेन ने मुझको फेंक दिया। आया बुढ़ा तेरे को फिर से फेंक दिया। अरे भैया यार ये ट्रेन वाकई में बहुत खतरनाक है, इसने मुझको फेंक दिया, अब इसको कैसे हरा यार। इसको पता कैसे चल गया भैया, ये धुआं कहाँ से हो गया यार इतना ज्यादा। वाह बुढ़ा कोई गड़बड़ लग रही है मेरे को। अरे भैया अरे दोस्त पार्ट टू कमेंट करना, हम यार और भी ट्राई करेंगे, हल से धुलाई लगाएंगे। अरे भैया तुम्हारे पीछे कौन है वो। वाह बुढ़ा कौन है, अरे भैया पीछे।